बेस्ट एवर लैपटॉप अंडर 55,000 रुपीज। अब 55,000 के अंदर आपको दो तरह के लैपटॉप मिलते हैं, एक तो प्रोफेशनल लैपटॉप मिलते हैं जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ज्यादा होती है, एंड जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनके बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं, एंड जो ऑप्शन होते भी है ना गेमिंग लैपटॉप के उनमें से ढंग का ऑप्शन ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोफेशनल लैपटॉप पहले बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे गेमिंग लैपटॉप की। एंड अगर आपको लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोसेसर लेटेस्ट चल रहा है, कौन सी रैम बाय करूं, कितनी रैम होनी चाहिए लैपटॉप में, एक्सपेंडेबल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बिना किसी देरी के सबसे पहले हम प्रोफेशनल लैपटॉप चेक करते हैं, एंड अपनी वीडियो का जो सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3, 49,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, टॉप एंड बॉटम में पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में मिल जाएगा। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है ना, उसका मतलब होता है कि ब्रांड ने उसके ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है पहले से ही। कुल 11 से 12 टेस्ट होते हैं जिसके बाद जाके सर्टिफिकेशन मिलती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। i5 का 12 450H प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, तगड़े वाला प्रोसेसर है। अगर आपने हैवी काम करने ना तो मेक श्योर कि आपके लैपटॉप के प्रोसेसर के पीछे ना एच लिखा होना चाहिए, तभी आपके लैपटॉप के ऊपर हैवी काम होंगे। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 4800 MHz, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। अगर आपको प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर 16 GB की रैम मिल रही है एंड वो एक्सपेंडेबल नहीं भी है ना, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गेमिंग लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल। 14 inches की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, 250 nits की ब्राइटनेस के साथ इंटेल की USD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। मेक श्योर जब भी आप प्रोफेशनल लैपटॉप बाय कर रहे हो ना, उसके अंदर आपको MS ऑफिस मिलेगा ही मिलेगा जब भी आप 50,000 से ऊपर जाते हो। 47 Wh की बैटरी के साथ ही 65 Wh का अडैप्टर मिल जाएगा लैपटॉप में, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। आप वीडियो पॉज करके इन सभी पोर्ट्स को चेक कर लो, कमाल का लैपटॉप है, शानदार चीज है, वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप, आप इसे जरूर जरूर कंसिडर करो। लेटेस्ट सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, रैम लेटेस्ट है, स्टोरेज लेटेस्ट है, प्रोसेसर लेटेस्ट दिया गया, गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज HP का 15 लैपटॉप, ये भी लैपटॉप एकदम ही लेटेस्ट है क्योंकि इसके अंदर हमें 13th generation का प्रोसेसर मिलता है। इससे पहले वाला जो हमने लैपटॉप चेक करा ना Lenovo वाला, उसके अंदर हमें 12th generation का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन ये 13th generation के प्रोसेसर के साथ में मिलेगा। i5 का 1334U प्रोसेसर है। देखो इसके पीछे यू लिखा हुआ, यू का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी लाइट काम है ना वो सारी ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा, हैवी काम इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। लेकिन यू सीरीज के प्रोसेसर की जो बैटरी कैपेसिटी है ना वो ज्यादा मिलती है एच सीरीज के कंपैरिजन में, बस यही डिफरेंस है दोनों प्रोसेसर के अंदर। एक्जैक्टली 55,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है, बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ ही। 16 GB की रैम जो कि एक्सपेंडेबल है, 32 GB तक, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, 250 nits की ब्राइटनेस के साथ ही 60 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, MS ऑफिस हमने चेक करना है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके अंदर दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, ये भी चीज काफी बड़ी है। 41 Wh की बैटरी के साथ ही 65 Wh का अडैप्टर मिल जाएगा, एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, एक USB टाइप सी जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर का सपोर्ट करती है, 2 USB टाइप है, एक HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। तो बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे भी जरूर जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज माई ऑल टाइम फेवरेट Asus YeoBook 15 लैपटॉप, इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया उसके लिए थैंक यू, एंड इसका जो करंट प्राइस है दैट इज ओनली 49,000 रुपीज। कुछ ही टाइम पहले तक ये लैपटॉप आपको 55 से 56,000 रुपए के अंदर मिलता था, लेकिन रिसेंटली इसका प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बढ़िया चीज है। i5 का 12 500H प्रोसेसर दिया गया। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो दोनों प्रोसेसर चेक करे है ना, उन दोनों से तगड़ा प्रोसेसर ये वाला है 12 500H। सारे स्कोर्स आपके सामने, आप वीडियो पॉज करके इन सभी स्कोर्स को भी चेक कर लो। 16 GB की रैम है, 512 GB SSD, ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, यानी कि लैपटॉप के डिस्प्ले को आप जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, फ्लैट हो जाती है इसकी डिस्प्ले, एंड साथ में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी यानी कि इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सर्टिफाइड है। 15.6 inches की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 Hz का रिफ्रेश रेट है। बेसिक डिस्प्ले जो कि इस पर हमें लैपटॉप के अंदर मैक्सिमम मिलती है वही डिस्प्ले इसके अंदर दे रखी है। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब देखो वैसे तो प्रोफेशनल लैपटॉप है, लेकिन मैंने इसके ऊपर गेमिंग करके देखी थी, मैंने दो गेम्स खेली, GT5 एंड वैलोरेंट, दोनों गेम्स ना स्मूथली प्लेबल है। देखो भाई गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, तो इस लैपटॉप से ज्यादा गेमिंग की एक्सपेक्टेशन तो है नहीं अपनी, लेकिन मान लो कभी कभी गेम्स खेलने का दिल कर रहा है या फिर घर के अंदर कोई बच्चा है उसने गेम खेलनी है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वैलोरेंट चल जाती है, GT5 चल जाती है, बढ़िया है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, वीडियो पॉज करके पोर्ट्स को चेक कर लो। प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड एंड McAfee एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए। टोटली पावर पैक फीचर्स के साथ हमें लैपटॉप मिल जाएगा, तगड़े वाला प्रोसेसर दिया गया, जरूर कंसिडर करो। आगे बढ़ते हैं, इससे भी तगड़ा लैपटॉप आपको बताता हूँ, Lenovo का IdeaPad Slim 3, अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलेगा। ये लैपटॉप 12500 से भी ज्यादा बढ़िया है। i7 का 13th generation प्रोसेसर है, 13620H, जितने मर्जी आप हैवी से हैवी काम कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस लैपटॉप में। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, लेटेस्ट 4800 MHz वाली 512 GB की Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल एंड ऑल्सो लेटेस्ट। इस लैपटॉप के अंदर आपको Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा,
जाएगा। 3 महीने के लिए बैकलेट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ ही 180 डिग्री की हिंच, ये सारी चीजें हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% एनटीएससी एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अच्छी डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर। इंटेल की यूएसडी ग्राफिक्स, एमएस ऑफिस में लाइफ टाइम मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, फास्ट चार्जिंग को भी अपना लैपटॉप सपोर्ट करता है, 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाता है इसके अंदर। तो बड़ा ही शानदार लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसिडर करो। प्रोफेशनल लैपटॉप मैंने आपको 4 बताए हैं, लेकिन एक और लैपटॉप आपको बताऊंगा, एप्पल 2020 मैकबुक एयर, इसका भी प्राइस 60,000 रुपए। इसके अंदर हमें एप्पल की M1 चिप मिल जाती है, 8 कोर CPU है, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, दोनों एक्सपेंडेबल नहीं होती इसकी, 13.3 इंच की आईपीएस डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही एप्पल का 8 कोर GPU मिल जाएगा। बढ़िया लैपटॉप है, 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है नॉर्मल यूजेज पे, एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स। ये मेरी वीडियो का एंड इस बजट का वन ऑफ द लाइटेस्ट लैपटॉप है, इट इज वेरी इजी टू कैरी। अगले 4-5 साल तक तो ये लैपटॉप आपका कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाना चाहते हो ना, मान लो आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो ना, फिर ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। थोड़ी बहुत कोडिंग भी हो जाती है, प्रोफेशनल वर्क के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब एक चीज समझो, देखो प्रोफेशनल लैपटॉप यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन अगर आपका बजट 60,000 रुपए है फिर आप एप्पल वाला लैपटॉप ले सकते हो, एंड अगर आपने विंडोज के साथ जाना तो लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, i7 वाला। लेकिन अगर आप अपने बजट को 60,000 तक नहीं पुश कर सकते, फिर 55,000 के अंदर जो 3 ऑप्शन है, लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 12450H वाला, HP 15 लैपटॉप 1334U एंड ASUS EarBook 15 12500H वाला, इन तीनों में से अगर तो आपने प्रोफेशनल लाइट काम करनी है ना, फिर आपके लिए HP वाला लैपटॉप बेस्ट है। अगर आपने हैवी काम करनी है फिर ASUS एंड लिनोवो, इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप अपने वीडियो का ASUS TUF Gaming F15 लैपटॉप, इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, बड़ी शानदार वीडियो, आप इसे जाके जरूर चेक करो। एकदम डिटेल के अंदर लैपटॉप की बात हुई है, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो 55,000 के करीब रहता है, इस टाइम पे लैपटॉप आपको 53,000 रुपीज में मिल जाएगा। i5 के 11 जनरेशन प्रोसेसर है, 11400H, 16GB RAM, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, एंड इसके अंदर हमें 2050 दिया गया ग्राफिक कार्ड। जब भी हम 50,000 से ऊपर जाते हैं ना, तो मेक श्योर कि हमने 2050 या फिर 3050 बाय करना है, इससे नीचे किसी भी ग्राफिक कार्ड को हमने बाय नहीं करना। 70W TGP वाला ग्राफिक कार्ड विद डायनामिक बूस्ट, इसके सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, चाहे हम वैलोरेंट की बात करें, गॉड ऑफ वार की बात करें, एंड बाकी भी जो सभी गेम्स है ना, एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके गेम प्ले के अंदर आपको। 15.6 इंच की डिस्प्ले, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले दे रखी है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, अडैप्टर सिंक के साथ ही फुल एचडी आईपीएस लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 48W की बैटरी के साथ ही 150W का अडैप्टर मिल जाता है। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर अपना बजट 55,000 तक की है। लेकिन अगर हम अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, 3,000 रुपए और लगाने हैं, एसर का ELG लैपटॉप आ जाएगा। इसके अंदर क्या चीज है कि एक तो हमें प्रोसेसर लेटेस्ट मिल जाता है, अपग्रेडेड वर्जन, i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 12450H वाला, थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, 16GB की रैम दे रखी है, 512GB की SSD मिल जाती है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, एंड इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो भी अच्छा है, 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, वो भी 6GB का डेडिकेटेड, TGP 75W है। इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है देखो भाई, वो तो ऑब्वियसली बेटर है ASUS TUF से, क्योंकि 3050 दिया गया, उसके अंदर हमें 2050 मिल रहा था। वीडियो पॉज करके आप सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो, एंड डिस्प्ले भी बढ़िया, 15.6 इंच की 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही 57W की बैटरी एंड 120W का अडैप्टर मिल जाएगा लैपटॉप में। तो गेमिंग लैपटॉप भी मैंने आपको 2 बता दिए, अगर आपका बजट 55,000 तक ही है, 53-54,000 रुपीज में आपको ASUS TUF Gaming F15 लैपटॉप मिल जाएगा। बड़ा प्यारा लैपटॉप है, शानदार लैपटॉप है, गेमिंग आपके इसके ऊपर भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बेटर गेमिंग करनी है फिर Acer ELG को बाय कर लो, 3,000 रुपए ज्यादा लगाने पड़ेंगे हमें। तो ये थे 55,000 के सबसे बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आपको मिल जाते हैं। प्रोफेशनल लैपटॉप हमने देख लिए, गेमिंग लैपटॉप हमने देख लिए, आपको इन सभी ऑप्शंस में से अपने लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा लगा वो चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड अगर आप किसी लैपटॉप का कंपैरिजन देखना चाहते हो, कोई आपकी वीडियो सजेशन है, या फिर आप किसी लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो, वो सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।